दोस्तों ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरे जीवन की पहली कांवड़ यात्रा है। तो हम कन्नड़ से कपिलधारा आए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। वो यहाँ से कांवड़ ले जाते हैं, जहाँ अपने गांव में या जहाँ शंकर भगवान का मंदिर होता है वहाँ उनका अभिषेक करते हैं। ये पवित्र स्थान है, बिल्कुल आपको नेचुरल जगह भी दिख रही होगी, बिल्कुल खूबसूरत है चारों ओर का पर्यावरण। और आज मेरे जीवन में पहली बार कांवड़ ले जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि ले जा पाऊँगा या नहीं, लेकिन महादेव जी का मैं भक्त हूँ और ले जाऊँगा, कोशिश करूँगा। महादेव जी मुझे शक्ति देंगे, मेरा मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करेंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और कांवड़ जो हम ले जाएंगे उसका वीडियो भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा और आपको बताएंगे। हम ग्राम ब्लासगढ़ से आए हैं और कपिलधारा से कन्नड़ जाएंगे। कन्नड़ जो शिव मंदिर है वहाँ शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और यहाँ की जो नेचुरल जगह है वो आपको देखते रहिए। मैं वीडियो में दिखा दूँगा आपको, देखो कितना खूबसूरत मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। ये बिल्कुल नेचुरल जगह है, ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं, उनके बीच में से एक नदी की एक धारा निकल रही है, तो लोग पिकनिक का भी आनंद लेते हैं। और ये आपको जूम करके बताएं, यहाँ बीचों के बीच में हनुमान जी का मंदिर है। तो आप सावन के महीने में आएं, कांवड़ ले जाएं, क्योंकि यहाँ का जल पवित्र है, नेचुरल जगह है। और ये प्राचीन मंदिर हैं, बहुत सालों से यही परंपरा चली आ रही है, लोग यहाँ से कांवड़ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ के पानी को पवित्र माना जाता है। और अब कांवड़ कंप्लीट कर ली है हमारे भाइयों ने, अब यहाँ से शुभारम्भ करेंगे कांवड़ का और ले जाएंगे। आप ब्लॉग को देखते रहिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ये लोग बाग देखिए, हम आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं, प्राकृतिक ऊंची ऊंची चट्टानों से कूदते हैं, नीचे जो कुंड बना हुआ है अभी देखिए, देखिए एक भाई वो देखो जंप मारने को, ये देखो ये आ गया है और ऊपर से भी आनंद ले रहे हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों अब कांवड़ लेके जा रहे हैं हम, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और जो मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे जो नदी दिख रही है उसी किनारे बना हुआ है ये शिवालय है, जिसे कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक मुख्य धारा, ये नदी की मुख्य धारा है, इसी के नाम पर इसके कपिल धारा नाम है। और यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं लोग बाग। सावन का ये लास्ट महीने के कुछ दिन दिन हैं, जो क्या नाम है, लोग बाग अधिक से अधिक आने की कोशिश कर रहे हैं और शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ से पवित्र जल ले जाकर अपने गांव में जो शंकर भगवान है उनका अभिषेक कराया जा रहा है। तो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और भी ब्लॉग बनाऊंगा और आपके पास अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।